हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप अच्छे हो गए। तो आपको इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, तो आज हम आपको बताएंगे इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको करने के लिए आपको सबसे पहले निंजा मोशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसे ओपन कर लेना है प्ले स्टोर पर। दोस्तों ये मिल जाएगा आपको, तो आपको इसको ओपन करना है। सबसे पहले दोस्तों आपका नेट ऑन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप को इस पर क्लिक कर देना है न्यू प्रोजेक्ट पे। इतना होने के बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो वीडियो आपको कलर इफेक्ट डालना है उस वाले को वीडियो को ले लेना है। तो मैं इस वाली को ले लेता हूँ वीडियो को, इसके बाद ऐड कर दूँगा। ऐड होने के बाद दोस्तों इस वीडियो को देख लो, ये नॉर्मल वीडियो है हमारी। इसके बाद आपको इसमें कलर इफेक्ट डालने के लिए आपको इस पर कर देना है क्लिक इफेक्ट पे। तो दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके मेरे सामने इफेक्ट ऑन हो जाएंगे। इसके बाद आपको सबसे इधर आ जाना है इस पर। इतना होने के बाद आपको नीचे जाना है। इसके बाद आपको ये फिल्टर दिख जाएगा, तो दोस्तों आपको इस पर टैप कर देना है। इसके बाद ये फिल्टर अपने आप ऑटोमेटिक कलर डाल देगा वीडियो में। तो दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो हो वहाँ तक आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों आपको वीडियो के हिसाब से अप्लाई कर देना है इफ़ेक्ट को। इसके बाद आपको एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट भी कर सकते हो। तो आपको इफ़ेक्ट पे क्लिक करके आपको इस पर एडिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस पेंसिल पे क्लिक करने के बाद आपको इसको बढ़ा देना है, कम कर देना है, आप अपने वीडियो के हिसाब से। इसके बाद आपको सही पर टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको इफ़ेक्ट वगैरह लगाने हैं तो आप फ्री हैं, सारे इफ़ेक्ट कोई सा भी लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं वीडियो चला के दिखा देता हूँ आपको कैसी बनी है यह वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल सही तरीके से बन चुकी है, तो आपको इसे सेव कर लेना है। तो मैं इतना बात कर HD में करके आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इस कलर को हो जाने के बाद दोस्तों आपको इसमें कलर इफेक्ट और डालना है, तो इसके बाद आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड और कर लेना है, लाइट मोशन ऐप को। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको इस पर प्लस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस वाले फ्रेम को ले लेना है। इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्लस पे जाना है। इसके बाद आपको मीडिया पे जाके उस वीडियो को ही ले लेना है। तो दोस्तों मैं वीडियो को ले लेता हूँ, तो मेरी ये वीडियो है तो मैं इसको ले लूँगा। इसके बाद दोस्तों इसमें इम्पोर्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको इस वीडियो में कलर इफेक्ट डालना है, तो दोस्तों इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। इसके बाद आपको इस पर इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपको अदर पर क्लिक कर देना है इस पर। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर चले जाना है, पहले दूसरे वाले पे। इसके बाद दोस्तों इस पर एडिट पर क्लिक कर देना है स्टार्ट। इसके बाद दोस्तों आपको जी पे सेलेक्ट पर ऑन कर देना है। इसके बाद दोस्तों कलर इफेक्ट लग जाएगा वीडियो में, आप चला के देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपकी वीडियो बिल्कुल कंप्लीट बन चुकी है, तो इसे सेव करने के लिए इस पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।